कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो ये समझते हैं कि जो लेजर हेयर रिडक्शन है ये ट्रीटमेंट फीमेल्स के लिए ही होता है। ये ट्रीटमेंट मेल्स में भी किया जाता है, और क्या करते हैं और क्या जनरली इंडिकेशंस होते हैं मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता एंड आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट विद ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे मेल्स भी आजकल हेयर रिडक्शन चाहते हैं। काफ़ी कॉमन इंडिकेशन, जो सबसे पहला इंडिकेशन मेल्स में होता है वो होता है बियर्ड रीशेपिंग। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बियर्ड के ग्रोथ एक्स्ट्रा होता है, यहाँ ऊपर तक बाल आए होते हैं विच दे डोंट लाइक, उनको वो शेव करना पड़ता है, परेशान होते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, उसकी वजह से चीक्स भी काले काले नज़र आते हैं और वो परेशान रहते हैं उसको लेके, बार बार वैक्स करते हैं, परेशानी होती है, निशान भी बन जाते हैं, कई बार दाने निकल आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अभी सोल्यूशन हम बता रहे हैं। दूसरा इंडिकेशन इसका रहता है कानों पे बाल। आपने देखा होगा बड़े फेमस पॉलिटिशियन भी हैं जिनके कानों पर बाल हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कानों पर इधर बाल होते हैं, तो ये बाल भी हटाए जा सकते हैं। काफ़ी लोग इसको हटवाते हैं, यदि आपको पसंद नहीं है और आपके ऐसे बाल हैं आप हटवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेल्स बॉडी पर बाल नहीं चाहते, कॉस्मोपॉलिटन में तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनके छाती पर बाल हो, पैरों पर बाल हो। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं, तो उस सिचुएशन में फुल बॉडी पर से बाल हटाए जा सकते हैं, लेज़र से इनको रिड्यूस किया जा सकता है। कुछ लोग इसको बार बार शेव करते रहते हैं और परेशान होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ग्रोथ बार बार आ जाती है। सिंपल सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। कुछ एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। तो यहाँ पर भी बाल आपके पीछे नेटल क्लेफ्ट में एनस के पास, वहाँ पर एक साइनस बन जाता है जिसमें से ब्लड और पस निकलता रहता है। तो ये पोर्शंस में भी इसका कारण होता है बालों का इनग्रो होना, और जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो काफ़ी लोग सेलेक्टिवली उस एरिया में अपने हेयर रिडक्शन कराते हैं। मेल्स के लिए ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे, तो कभी आप कुछ भी किसी टॉपिक पे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वो वीडियोस बनाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो ये एक सेफ टेक्निक है, इसके लिए लेज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ को रिड्यूस किया जा सकता है, और ये रिडक्शन परमानेंट है। पूरी ग्रोथ नहीं हटती है पर ग्रोथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, और ये टेक्निक को अब इस्टेब्लिश हुए बहुत समय बीत चुका है। लगभग आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15-16 साल से ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व भी हुई है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रिसीजन के साथ हम इसको कर सकते हैं वो भी बहुत बहुत अच्छा रहा है। इसमें किसी तरीके का खास रिस्क नहीं रहता यदि आप इस टेक्निक को, इन ट्रीटमेंट्स को कराएं डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में। यदि आप इन ट्रीटमेंट्स को कराते हैं पार्लर्स में या फ्रेंचाइजी क्लिनिक्स में, तब जाहिर सी बात है कि बर्निंग और इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यदि कुछ भी इस बारे में जानना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। आप दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, लव योर सेल्फ, टेक केयर।